टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन सायरस मिस्त्री को नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल से भी झटका लगा। एनसीएलएटी ने मिस्त्री की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने 6 फरवरी को होने वाली टाटा सन्स की ईजीएम पर रोक लगाने की मांग की थी। अब टाटा सन्स की 6 फरवरी को होने वाली ईजीएम का रास्ता साफ हो गया। सायरस मिस्त्री को डायरेक्टर पद से हटाने के लिए टाटा सन्स ने ईजीएम बुलाई है और इसके पहले मुंबई में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने इस बारे में मिस्त्री की याचिका खारिज कर दी थी। विजय माल्या ने बैंकों से लोन हासिल करने के लिए कई खेल किए थे। आईडीबीआई बैंक लोन फ्रॉड केस में दाखिल चार्जशीट के मुताबिक माल्या ने पर्सनल गारंटी के लिए 9 दिन में नेटवर्थ बदल ली थी। चार्जशीट के मुताबिक 9 अप्रैल 2009 की लोन रीस्ट्रक्चरिंग अर्जी में माल्या ने नेटवर्थ 249 करोड़ रुपए दिखाया, जबकि 31 मार्च 2009 को पर्सनल गारंटी में नेटवर्थ 1395 करोड़ रुपए दिखाई थी। नेटवर्थ में अचानक कमी पर भी आईडीबीआई बैंक के बड़े अधिकारी चुप रहे। रिस्क डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने नेटवर्थ की जांच करने का सुझाव दिया था, लेकिन आईडीबीआई बैंक के बड़े अधिकारियों ने नेटवर्थ तस्दीक की सिफारिश दरकिनार कर दी थी। तो चलिए माल्या का इस पर क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। तो विजय माल्या ने इस पर ट्वीट किया था और ट्वीट के जरिए उन्होंने क्या कुछ कहा है, एनडीए और यूपीए टीमें फुटबॉल की तरह उन्हें उछाल रही हैं, ऐसा ट्वीट किया माल्या ने। और फुटबॉल के इस खेल में कोई भी रेफरी नहीं है। माल्या ने सीबीआई पर भी निशाना साधा ट्वीट करके, और मीडिया का मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा ट्वीट किया है माल्या ने। और माल्या पर करीब 9,000 करोड़ का लोन लेकर विदेश भागने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि एयरसेल मैक्सिस डील केस में मैक्सिस ग्रुप के टी आनंद कृष्णन और राल्फ मार्शल को हर हाल में समन का पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर दोनों ने समन का पालन नहीं किया तो 20,000 करोड़ के कर्ज की रिकवरी के लिए एयरसेल मैक्सिस को आवंटित स्पेक्ट्रम की नीलामी का आदेश दिया जा सकता है। कोर्ट ने एयरसेल को बुधवार तक डील के सभी पहलुओं पर सफाई देने का वक्त दिया और इस मामले की अगली सुनवाई अगले शुक्रवार को होगी। आपको बता दें कि एयरसेल मैक्सिस डील की जांच कर रही सीबीआई ने मैक्सिस ग्रुप के टी आनंद कृष्णन और राल्फ मार्शल को पेश होने का आदेश दिया है। और अगर ज्यादा कीमत की वजह से आप आईफोन नहीं ले पा रहे थे तो निराश ना हो, बहुत जल्द देश में असेंबल आईफोन आपके हाथ में होगा। जाहिर है थोड़ा सस्ता भी होगा। एप्पल बेंगलुरु में अपनी असेंबलिंग यूनिट लगाएगा। कर्नाटक सरकार ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है। अब आपके हाथ में बहुत जल्द मेड इन इंडिया का आईफोन होगा। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में असेंबलिंग यूनिट लगाने के लिए एप्पल को मंजूरी दे दी है। उम्मीद है कि अप्रैल से इसकी असेंबलिंग शुरू हो जाएगी। एप्पल ने दिसंबर में कर्नाटक सरकार को यूनिट शुरू करने की इजाजत मांगी थी। एप्पल का OEM पार्टनर यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर विस्ट्रॉन बेंगलुरु में फैक्ट्री लगाएगा। एप्पल का एक और OEM पार्टनर फॉक्सकॉन पिछले साल से विशाखापट्टनम में ज़ियोमी के लिए फोन बना रहा है। भारत में एप्पल का दांव बहुत सोचा समझा प्लान है, क्योंकि चीन में पिछली 2 तिमाहियों में कंपनी को नुकसान हो रहा है। 2017 की पहली तिमाही में भी कंपनी को घाटे का ही अनुमान है। वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2016 के दौरान आईफोन की बिक्री 56% बढ़ी है। ऐसे में एप्पल के लिए भारतीय बाजार एक बड़ा मौका लग रहा है। भारत में आईफोन की कीमत काफी ज्यादा है, लेकिन लोकल असेंबलिंग से उम्मीद है कि आईफोन की कीमतें 15-20% कम होंगी। चीन और ब्राजील के बाद भारत दुनिया का तीसरा देश होगा जहां आईफोन्स की असेंबलिंग होगी। आईफोन के अलावा 28 देशों में एप्पल के दूसरे प्रोडक्ट्स आईपैड, आईपॉड, मैक ज्यादातर थर्ड पार्टी ही बनाती हैं। एप्पल के प्रोडक्ट्स के लिए दुनिया भर में 766 सप्लायर्स हैं, जिसमें से 346 अकेले चीन में ही हैं, 126 जापान और 69 अमेरिका में हैं, जबकि सिर्फ एक यूनिट भारत के श्री पेरम्बदूर में है। ये साफ नहीं है कि वहाँ किस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये सप्लायर्स एप्पल के पार्ट्स तैयार करते हैं, जिनकी असेंबलिंग अलग अलग जगहों पर होती है। दरअसल एप्पल की पसंद भारत इसलिए भी है क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल बाजारों में से एक है। यहाँ मजदूरी भी चीन के मुकाबले काफी कम है और हर साल भारत में रिकॉर्ड आईफोन की बिक्री होती है। ऐसे में एप्पल का भारत में ये दांव कंपनी और भारत दोनों के लिए बराबर फायदे का मौका होगा। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग को लेकर मामला अभी फंसा है, क्योंकि भारत सरकार एप्पल की शर्तों पर मैन्युफैक्चरिंग की इजाजत देने के मूड में नहीं है।
फिलहाल ये मसला हल होने में अभी वक्त है, लेकिन सस्ते आईफोन का रास्ता तो फिलहाल तैयार हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और टेक एडिटर अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, जाहिर आईफोन के दीवानों के लिए एक अच्छी खबर जरूर है, क्योंकि इससे प्राइसेस जो है आईफोन के उसमें भी फर्क होगा आने वाले दिनों में। बिल्कुल, यहाँ पर आप इसको इस तरीके समझ सकती हैं कि पिछले साल जब टिम कुक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गए थे, तो उनकी जो मेन मांग थी वो ये थी कि एप्पल का जो रिटेल स्टोर है, जिसे एप्पल स्टोर के नाम से जाना जाता है, उसका इंडिया में खुलने की राह आसान कर दी जाए। पर प्रधानमंत्री और बाकी सरकार ने उनसे ये कहा कि पहले आप मेक इन इंडिया के तहत यहाँ पर आईफोन बनाना शुरू कीजिए, उसके बाद अगर वो चीज़ अच्छे से होती है तो एप्पल स्टोर की राह भी हम आसान कर देंगे। तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड ये चीज़ है कि पहले इन्होंने अब बंगलुरु में कर्नाटक सरकार ने वहां पर उनको प्लांट खोलने की अनुमति दे दी है, और जल्द ही आईफोन जो है यहां पर इंडिया में असेंबल्ड होने लगेगा, डिजाइंड इन कैलिफोर्निया, मेक इन इंडिया। जी, बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम बातचीत के लिए आपका। तो फिलहाल न्यूज़ लाइव में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।